पेठावनी जी निवता करी ना स्वीकार जी हो लिहुना रख मोरा
क्लब के अध्यक्ष संजीव कुमार को सुतु यादव जी से चाहूँगा कि कृपया मैडम को सम्मानित करें। अपना नहीं लीजिएगा, गजब हाल है, एगो काम कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ शाहपुर घाट पे हैं, शाहपुर पुल पे द्वार का उद्घाटन किया गया है मेरे द्वारा। मैं आजाद क्लब के अध्यक्ष टुटू जी और इसके सदस्यगण संजय जी, रणवीर जी, गोरख जी, सोनू जी और अन्य सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करती हूँ मुझे यहाँ द्वार के उद्घाटन हेतु आमंत्रित करने के लिए। शाहपुर एंटर करते हुए द्वार पे ही नजर पड़ रहा है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही भव्य। मेरे सभी भाई लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत ही सुंदर द्वार बनाया है आप सबने और बहुत सुंदर घाटों की साज सज्जा की है, सफाई करवाई है। आप सबकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक चीज और कहना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि अपनी बहन को इसी तरह से लाड लगा के रखिएगा। भाइयों का स्नेह प्रेम बहन के लिए बहुत अनमोल होता है, तो आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ और सभी को पुनः छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे आग्रह करूंगा कि आजाद क्लब के सदस्यों को तो हौसला बढ़ाने के लिए दो शब्द बोले। आजाद क्लब के सभी सदस्यों की तरफ से माननीय डॉक्टर अनिल कुमारी जी को तहे दिल से धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के बीच में आए सभी सदस्य उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। चरण वंदन करती हूँ और अपने सभी दानापुर वासियों को छठ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जहाँ तक शाहपुर पुल और शाहपुर घाट की बात है, मैं प्रत्येक साल यहाँ पे आती हूँ, लगातार अपने भाइयों का स्नेह। यहाँ के आजाद क्लब के अध्यक्ष रुकू जी हैं, संजय जी हैं, गोरख जी, रणवीर जी, मुखिया जी, सब लोगों का स्नेह मिलता रहा और लगातार इसी स्नेह के वजह से मैं हर साल यहाँ आती हूँ इस गेट का उद्घाटन करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन महसूस होता है। इसके लिए मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी के लिए मनमांचित फल पूरा करें माँ, यही कामना करती हूँ। सभी के लिए खुशियाँ स्वास्थ्य मांगती हूँ, सभी के लिए निरोग जीवन की कामना करती हूँ, मुख्य रूप से दानापुर नगर परिषद के तमाम 140 के वार्ड के लोगों के लिए और साथ ही साथ दानापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ व्रत को लेकर? पूरा दानापुर यहाँ की, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बताना चाहूँगी यहाँ की बहू हूँ तो दानापुर तो मेरा घर है, तो अपना घर हमेशा, मेरा घर स्वर्ग से सुंदर हो यही चाहूँगी। इसके लिए हमेशा काम करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी।
अपने घर को सजाने बनाने में पहले भी प्रयासरत थी और आगे भी अपने कन कन से प्रयासरत रहूंगी अपने दानापुर के सेवा के लिए। टुटू जी, छठ महापर्व हम लोग के बिहार के बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व के लिए हम लोग सारे बिहार वासियों का अभिनंदन और अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे माननीय उनके द्वारा सज्जन से बहुत काम हो और आगे भी हम लोग की सहयोग करती रहती है, हर काम में हम लोग के साथ रहते हैं। और साफी घाट पर जो लाइट की व्यवस्था रहता है और सारे ग्रुप के लोग हमारे उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, सचिव सुभाष कुमार, विनोद कुमार मेहता, मनोज यादव, तमाम सदस्य और सहयोग से ही हम लोग सफल होते हैं। मैम इतना 24 घंटा आज से कल 2 बजे तक सारे लड़कों को खाद में रहेगा, यहाँ रात को सोएगा, 2 बजे तक चलिए 2 बजे के बाद ही सारे फॉर्मेलिटी चल जाते हैं, हम लोग छुट्टी की पूजा सफल। मैम यही बताएंगे नहीं इस बारे में, मैं तो कही हूँ कि ये मेरा घर है, मैं तो चाहूँगी कि मेरा घर हमेशा स्वर्ग से भी सुंदर हो। शायद यही कारण रहा, अपने भाइयों लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा तो मेरी भी ऊर्जा बनी रहती है, चारों तरफ मैं भी खिलखिलाती रहती हूँ। कहिए इन लोगों के घर में, हाँ घर में अपने भाइयों अपने गार्जियनों के प्यार स्नेह के कारण अपने घर में चारों तरफ दानापुर घर है, चारों तरफ घूमती फिरती रहती हूँ, सब जगह प्यार गुलार मिलता रहता है, ऐसा ही प्यार मिलता रहे यही मैं आगे चाहूँगी, यही आशीर्वाद जो है मेरी ताकत है। बधाई एवं शुभकामनाएं हमारे बीच अभी डॉक्टर अनु कुमारी जी माननीय पूर्व अध्यक्ष दानापुर हैं और आप देख रहे हैं कि इस पूजा पंडाल का निर्माण मोना टेक्सटाइल्स के द्वारा मधुपुर के जो कारीगर है कुशल कारीगर है उनके द्वारा किया गया है। पूरे लाइटिंग व्यवस्था घाट पे जितना भी सजावट है वो सब आज़ाद क्लब के सदस्यों के द्वारा किया गया है। खास करके इसमें बहुत बड़ा योगदान यादव जी का है जो कड़ी मेहनत करने के साथ साथ और उनके पीछे पीछे हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 18 साल से और आगे भी हम लोग इसी टीम वर्क के साथ काम करते रहेंगे। उसके साथ साथ मैडम का स्नेह और प्यार हम लोगों के बीच है, काफ़ी इनका सहयोग रहता है आज़ाद क्लब के सदस्यों के प्रति, तो हम आगे भी चाहें कि इसी तरीके से हम लोगों को सहयोग प्रदान करते रहें और आगे आने वाले समय में इससे भी अत्यधिक और सुंदर भव्य पंडाल का निर्माण आज़ाद क्लब के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। टुटू यादव जी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? और पीछे तब ना आया नहीं आ पा रहा है वासियों का छठ पर्व के महापर्व के शुभ अवसर पर सब हार्दिक दिल से शुभकामना है और इसापुर घाट पर आजाद क्लब के अध्यक्ष टुटू यादव सभी सदस्य और पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद डॉक्टर अनु कुमारी के सहयोग से आज छठ व्रतियों का यहाँ सुख सुविधा के अनुसार पहला अर्ध के शुभ अवसर पर हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ।